मुरादाबाद जनपद में योगी पुलिस की कार्यशैली का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि एक जनप्रतिनिधि को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। थाने से लेकर कमिश्नर तक गुहार लगाने के बावजूद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई। कारण साफ है कि आरोपी का ताल्लुक सत्ता पक्ष से है। आम आदमी को इंसाफ के लिए कितने पापड़ बेलने होंगे, इसका अंदाजा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। मामला थाना पागबड़ा क्षेत्र का है, जहां नगर पंचायत पागबड़ा के चेयरपर्सन के पुत्र भाजपा नेता राम रक्ष पाल उर्फ रिंकू गोस्वामी द्वारा एक अन्य व्यक्ति के मोबाइल फोन से गाली गलौज करते हुए धमकियां दी गई। इतना ही नहीं, भाजपा नेता ने यह आरोप भी लगाया कि उसने ऑडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर दिया, जिससे नगर पंचायत पागबड़ा क्षेत्र के चेयरमैन के समर्थकों एवं क्षेत्रीय जनता में भारी रोष है। साथ ही अध्यक्ष का पूरा परिवार भयभीत दिखाई दे रहा है। अपनी सुरक्षा और आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष ने थाने से लेकर SSP DM और कमिश्नर के दरवाजे में समर्थकों और अपने परिवार संग हाजिरी दी। नतीजा शून्य ही रहा। ना तो भयभीत परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई और ना ही आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई और ना ही दोनों पक्षों के बीच सम्मानजनक समझौता कराने का प्रयास हुआ। सोमवार को जहां एक और पीड़ित परिवार DM अनुज सिंह से मिला, तो वहीं दूसरी ओर मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कमिश्नरी पर दस्तक दी गई। मंडलायुक्त की अनुपस्थिति में अपर आयुक्त प्रशासन सर्वेश कुमार गुप्ता को शिकायती पत्र पेश करके इंसाफ की गुहार लगाई गई। पीड़ित पक्ष की माने तो निकाय चुनाव में रिंकू गोस्वामी मोहम्मद याकूब के चुनाव हार गए थे, इसलिए वो चेयरमैन मोहम्मद याकूब से राजनीतिक द्वेष रखते हैं। रिंकू कश्यप पर पुलिस पर हमले सहित अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं, न्यायालय में विचाराधीन है। आइए सुनते हैं कि अब तक की कहानी नगर पंचायत पागबड़ा मोहम्मद याकूब और उनकी पत्नी रेशमा की जबानी। इस जो मेरे साथ घटना घटित हुई है, उसमें मैं कल DM साहब से मिला था और अभी SSP साहब से भी मिल करके आया हूँ और इसके बाद कमिश्नर साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर साहब नहीं हैं। तो उनके जो अपर आयुक्त हैं उनसे हम मिले हैं, उन्होंने हम पूरा आश्वासन दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि उनकी शिकायत सब जगह से है। वो पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि मैं समझता हूँ के आने वाले समय में उन्हें ये भी सबक लग जाएगा कि किस तरीके से हम पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना जरूर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हद पार कर दी हर तरीके से। इस तरह की हद पार करी कि पागबड़े का माहौल बिगाड़ने का काम किया है, लोगों को धमकाने का काम किया है, लोगों के कार्य में बाधा बनने का काम किया है, और वो एक नफरत का काम जो फैला है। जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर अंकुश भी लगेगा, आगे किसी की हिम्मत भी इस तरह की ना पड़ेगी। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और थाने से लेकर कमिश्नर तक आप गुहार लगा चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या आप मानते हैं? वो यही कहते हैं कि मैं सत्ता पक्ष का आदमी हूँ, BJP का आदमी हूँ, लेकिन BJP सत्ता पक्ष का ऐसा कोई मैटर मुझे लगता नहीं। कहीं ना कहीं उनका पर्सनल संबंध है, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अखबारों में भी बराबर चल रही है, तो उनके पास तो पुलिस नहीं गई है अभी तक, कोई इसराइल की कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है आज मैं SSP साहब से मिला हूँ और कमिश्नर साहब से मिला हूँ और DM साहब से मिला हूँ, तो उनके खिलाफ जरूर अब कार्रवाई होगी, आदेश भी है उनके लिए और थाने के लिए, तो मैं समझता हूँ जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी होगी, उन्हें सबक। आपके खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इसकी ऑडियो वायरल हुई, आपने बताया कि क्षेत्रीय में काफ़ी रोष है जनता में, जी तो आप अपनी क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्रीय जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, जिस शांत स्वभाव का मैं व्यक्ति हूँ, मैं सारी चीज़ों को सीरियस लेता हूँ, अपनी ईमानदारी से पागबड़े की खिदमत कर रहा हूँ, तो वो परेशान ना हो, मैं उनके साथ हूँ और कोई भी गलत कदम ना उठाएं, कोई गलत बात ना करें, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई घटना होती है, किसी के साथ कुछ गलत होता है, तो उसके से लिए शासन और प्रशासन है, तो मैं शासन में और प्रशासन में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा, अपराधी की जो है अरेस्टिंग होगी, उनके खिलाफ मुकदमा होगा। आप बिल्कुल भरोसा रखिए, न्याय अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस हिंदुस्तान के अंदर न्याय सर्वोपरि है और हमें न्याय मिलेगा और प्रशासन पूरी कार्रवाई करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि हमें जब योगी जी ने बुलाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा था मेरा चेयरमैन मेरा अपना है, मेरा हाथ है, वो मेरी योजनाओं को गवर्नमेंट धरातल को उतारने का काम करेगा, तो हम उस काम को कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इस काम में बाधा बन रहे हैं और पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम बदनाम कर रहे हैं, उन्हें जरूर सबक लगेगा। मेरी गुजारिश है और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है, गुजारिश है कि वो ऐसे लोगों को पर अंकुश लगाने का काम करें जो हमारे कार्य में बाधा बनने का काम करते हैं। हमको योजना चलाते हैं, उसमें वो चाहते हैं कि हमारे उनके लोगों को योजना मिले, जबकि योजना सभी लोगों को मिलनी चाहिए। इस तरह की शिकायतें मेरे पास मतलब ये कि बहुत ज़्यादा है, मैं क्या कहूँ, लेकिन आज मैं मजबूर होकर यहाँ पर आया हूँ, तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है।
घटना है पूरा ये। मेरे शोहर पापड़े के चेयरमैन है, मेरे शोहर को धमकाया जा रहा है। जो नीतू है मतलब पहले वो चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने मेरे शोहर को फोन करा, फोन करके धमकाया गाली गलौज की। इसी से हमें डर है और पूरा पापड़ा डरा हुआ है कि मतलब कोई घटना गलत ना हो जाए। हम सोच रहे हैं कि मतलब हमें न्याय मिले। आज किससे मिले आप लोग? मिले थे। क्या मांगी आपने, क्या चाहते हैं? हम उन्हें अरेस्ट कराना चाहते हैं। किसको? ये किसी राजनीतिक दल से हैं? ये चेयरमैन थे पहले। किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी का कोई इसमें रोल नहीं है। ये तो जो करते हैं अपने मन से करते हैं, कोई पार्टी से कहती नहीं है कि आप ऐसा करो। तो आप लोगों से क्यों इतनी रंजिश रखते हैं? माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि ये करते ही गुंडागर्दी है। ये आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे? नहीं, चुनाव लड़े थे पिछली बार, लेकिन इन्हें इस चीज़ से चिरैन है कि हम जीत गए ये हार गए। इससे पहले जीती थी इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, लेकिन हम बर्दाश्त करते रहे। उस टाइम बच्चों का साथ थी, अब मेरे शोहर के साथ करना है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि थाने से लेकर कमिश्नर तक हाजिरी देने के बाद एक जनप्रतिनिधि को इंसाफ मिलता है या फिर आम आदमी की तरह यूं ही दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ेगा। सिटी चैनल के लिए परवेज नाजिम की एक खास रिपोर्ट।